एबीसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। देखिए, जो पिछले जो लेक्चर में अपन ने चर्चा की है, एक के बाद एक जो लेक्चर मैंने आपको कंप्लीट किया, उसके बाद जो आज का टॉपिक है अपना गंगवंश। गंगवंश और संस्थापक जो है गंगवंश, इसके बारे में चर्चा करेंगे अपन। गंगवंश के बाद जो पढ़ेंगे अपन, इसके जो संस्थापक है वज्रहस्त पंचम, इसने किस तरह के कब कब शासन किया, कौन कौन से इसके शासनकाल रहे हैं, उस काल के बारे में चर्चा करेंगे किस तरह के इनके शासनकाल रहे हैं। संस्थापक जो है गंगवंश का वज्रहस्त पंचम है, वज्रहस्त पंचम ने इस वंश की स्थापना की। राजधानी इनकी कोलाल, राजधानी कोलाल थी। छोटे वंश इनके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है। जो प्रथम शासक था इस वंश का, कोकणी वर्मा, जो कोकणी वर्मा था इस वंश का पहला शासक था। और इस संस्थापक वज्रहस्त पंचम था, राजधानी कोलाल थी। ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते इन टॉपिक से, लेकिन जो है मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर रहा हूँ, ताकि आप भी अच्छे से अपना टॉपिक सब कंप्लीट करें। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, दत्तक सूत्र पर जो टीका लिखने वाला पहला गंग शासक था माधव। दत्तक सूत्र पर टीका लिखा है, लिखने वाला पहला शासक कौन था, माधव। ये इसी वंश का था, गंग वंश का, इसी ने दत्तक सूत्र पर टीका लिखा है। अगला जो वंश अपना है काकतीय वंश। काकतीय काकतीय वंश के बारे में चर्चा करें, इसका संस्थापक बीटा प्रथम था। काकतीय वंश का जो संस्थापक है वो बीटा प्रथम था। और इसने जो अपनी राजधानी, इसने जो अपना क्षेत्र गठन किया, देखिए नलगोंडा जो हैदराबाद में है, एक छोटे से राज्य का इसने गठन किया था, इसके राज्य का गठन किया था इसने, किसने किया था, बीटा प्रथम ने। और इसने जो अपनी राजधानी बनाई थी, बीटा प्रथम ने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो अमरकोट थी। अमरकोट इसने राजधानी बनाई। वंश का जो शक्तिशाली शासक हुआ, काकतीय वंश जो था, इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ गणपति। इसकी जो बेटी थी रुद्रमा देवी, जिसने रुद्रदेव महाराज नाम ग्रहण कर 35 वर्ष तक शासन किया। सबसे जो शक्तिशाली शासक हुआ काकतीय वंश का वो गणपति था। इसकी एक बेटी थी रुद्रमा देवी ने रुद्रदेव महाराज नाम ग्रहण किया और 35 वर्ष तक शासन किया। काकतीय वंश में 35 वर्ष तक शासन किया। बीटा प्रथम की समय राजधानी अमरकोट थी, लेकिन रुद्रमा देवी ने जो अपनी राजधानी स्थापित की वो वारंगल स्थापित की। क्या स्थापित की, वारंगल। वारंगल राजधानी इसने स्थापित की। और इस वंश का जो सबसे अंतिम शासक हुआ वो प्रताप रुद्र था। प्रताप रुद्र ने 1295 से 1323 ईस्वी तक शासन किया। कितने ईस्वी तक, 1295 से 1323 ईस्वी तक। वंश का जो अंतिम शासक रुद्र प्रताप रुद्र था। गंग वंश के बारे में अपन को ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। वज्रहस्त पंचम इसका संस्थापक होता है, कोलार राजधानी होती है, प्रथम शासक का कोकड़ी वर्मा होते हैं, दंतक सूत्र पर टीका लिखने वाला कौन होता है, माधव। गंग वंश का जो शासक होता है माधव वो लिखता है। इसके बाद जो राजधानी की चर्चा करते हैं काकतीय वंश के बारे में, काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम होता है। यह राजधानी अपने अमरकोट बनाता है। नलकोटा हैदराबाद जो राज्य है उसका गठन करता है, छोटे से राज्य का क्षेत्र का वो गठन करता है बीटा प्रथम। वंश का जो शक्तिशाली शासक होता है वो गणपति होता है। इसकी एक बेटी होती है रुद्रमा देवी, जो रुद्रदेव का नाम ग्रहण कर 35 वर्ष तक काकतीय वंश पर शासन करती है। और इस वंश का जो काकतीय वंश का सबसे अंतिम शासक होता है वो होता है प्रताप रुद्र, जो 1295 से 1323 ईस्वी तक शासन करता है वंश में। आज जो आपका लेक्चर था अपना गंग वंश और काकतीय वंश के बारे में था। ठीक है फ्रेंड्स।